भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा की विकास की रफ्तार को भ्रष्टाचार की भेंट इन्होंने चला चढ़ा दिया। जनता को भूल गए, हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया। मैंने अभी एक सवाल पूछा था संसद में कि पिछले 30 सालों में कितनी मेट्रो बनी। जवाब आया कि जो 2009 से 14 तक हरियाणा में 41 किलोमीटर मेट्रो बनी थी। 41 किलोमीटर मेट्रो गुड़गांव सबसे पहले मेट्रो से जुड़ा, उसके बाद फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़ भादुगढ़, और 2014 के बाद मेट्रो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। यह भी एक अजीब बहुत देश में उदाहरण होगा, क्योंकि विकास की रफ्तार को कम करना तो संभव है, लेकिन रोकना, यूं रोकना एक भी काम। खट्टर सरकार बताए, खट्टर साहब बताए, मुख्यमंत्री जी बताए, पहले प्रदेश के बताए और फिर कोसी हल्के के और रेवाड़ी के बताए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे समय 41 किलोमीटर मेट्रो पहुंची, 4 शहरों को जोड़ना काम किया, आपने एक खंभा भी मेट्रो आगे बढ़ाना काम क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार थी तो 12 यूनिवर्सिटी बनी हरियाणा में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से लेकर और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार तक, हरियाणा के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से लेकर और वाईएमसी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद तक, महेंद्रगढ़ के अंदर केंद्रीय यूनिवर्सिटी से लेकर और गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी तक 12 विश्वविद्यालय बने सरकारी। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके समय एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो कॉलेज भी बनाओ तो उसका आप नाम बताओ। हमारे समय हरियाणा में 2270 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी, आप तोड़ने का काम करते हैं, हमने जोड़ने का काम किया। पहली कलम से काम किया, रेवाड़ी को झज्जर और रोहतक से रेल की लाइन से जोड़ने का काम किया। हमारे समय 270 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी, आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, मगर इन 9 साल में 1 इंच भी रेल की लाइन हरियाणा में आपने मंजूर कराई हो तो आप बताओ। हमारी जब सरकार थी, 4 थर्मल के कारखाने लगे बिजली का पैदावार बढ़ाने के लिए, आपने 1 थर्मल का कोई कारखाना लगाओ उस बारे में आप हमें जानकारी दो। कोई औद्योगिक क्षेत्र, हमारे समय 6 IMT बनी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ताकि उद्योग लगे, आपने एक कोई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आपने बढ़ाई हो? आप उस बात का जवाब दो। खैर, आप हरियाणा की